अगर तुम्हें अंग्रेजी बोलनी है तो पहले बोलना सीखो, इधर आओ। क्या है डॉल, नहाने भी नहीं देती ठीक से। ओह माय गॉड, देखो देखो ना, फरिश्ता नाम की संस्था ने अवार्ड डिक्लेयर किया है। कैसा अवार्ड? जो भी फिल्म आर्टिस्ट बड़ी समाज सेवा करेगा उसे 1,00,000 रुपए और एक शॉल इनाम में दिया जाएगा। शॉल का अचार डालना, इतनी गर्मी होती है यहाँ पर, और 2,00,000 रुपए में छोटी मोटी पार्टी भी नहीं होती। ₹1,00,000 एंड शॉल दिल, पब्लिसिटी कितनी मिल सकती है मुझको। लेकिन डॉल तुम तो पहले ही कितनी ज्यादा मशहूर हो। वो तो हूँ ही, लेकिन यू नो देव, फिल्म आर्टिस्ट एक साबुन की तरह होता है। साबुन? हाँ। झाग वाला? जब तक सामने है, लगातार आंखों के सामने है, तब तक दिमाग में है, लेकिन एक बार गया तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यू मीन घिस गया तो फेंक दो। लेकिन ये अवार्ड जीतने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? बड़ी समाज सेवा करनी होगी मुझे, लेकिन वो डॉल एक आइडिया। क्या, क्या, क्या? अपने झोपड़पट्टी के बच्चे, हाँ, नन्हे मुन्ने दिल के सच्चे। नहीं, बहुत गंदे होते हैं। पॉइंट। एड्स, एड्स पे कुछ कर लो। नहीं नहीं नहीं, एड्स मेरे बस का रोग नहीं है। मिल गया डॉल, ब्रिलियंट, घिसा पिटा पुराना आइडिया मिल गया। क्या? दुखियारी महिलाओं की सहायता। यस, अरे तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल कैसे आया? दे लो, मेरे दिमाग में नहीं आएगा तो किसके दिमाग में आएगा? मैं तो रहता ही महिलाओं में हूँ। केशव, क्या है केशव? अरे प्रेमा जी का कितना बड़ा इंटरव्यू आया है। अच्छा यार, अब वो दुखियारी महिलाओं के लिए काम करने वाली है। देखा गोखले, देखा, मैं ऐसे ही प्रेमा जी के लिए नहीं तड़पता। शी इज अ ग्रेट वुमन, यू नो गोखले। अब इस सोशल वर्क में मैं प्रेमा जी की मदद करूंगा। एग्जैक्टली क्या करोगे तुम? अरे मैं दुखियारी महिलाओं के इंटरव्यूज लूंगा। फिर तो महिलाएं और भी दुखियारी हो जाएंगी। शट अप, शट अप। मैं अभी जा रहा हूँ प्रेमा जी के घर। हाँ। अरे दुखियारी महिलाओं की लाइन लगी होगी प्रेमा जी के घर के बाहर। ओके ओके। डॉल, मैं बहुत ही दुखी हूँ। What is this यार? अब तक एक भी दुखियारी महिला नहीं आई है। क्यों बड़े दिल, कोई ना कोई जरूर आ जाएगी। लेकिन कब आ जाएगी? पता है इसी हफ्ते फरिश्ता अवार्ड अनाउंस होने वाला है। देखो, अगर मुझे फरिश्ता अवार्ड मिलना है, जो मिलना है, तो कोई ना कोई फरिश्ता जरूर आकर टपक पड़ेगा। हेलो प्रेमा जी, कैसी हैं आप? अरे ये कैसा रिश्ता है, टॉक ऑफ द फरिश्ता एंड द फरिश्ता इज हियर। ये यार फरिश्ता, क्या बात कर रही है डॉल? अरे फरिश्ता के साथ तो इसका दूर दूर का रिश्ता भी नहीं है। यस प्रेमा जी, आप मेरी मदद करेंगे? आज्ञा कीजिए प्रेमा जी। ये तू मेरे डायलॉग क्यों बोल रहा है? क्योंकि तुझे एक ही डायलॉग आता है। क्या कुछ है? प्रेमा जी मदद करेंगे या नहीं? आज्ञा कीजिए प्रेमा जी। क्या कुछ है? मैंने दुखियारी महिलाओं की सेवा करने के लिए इतना बड़ा क्लब खोला है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी दुखियारी महिला नहीं आई। डोंट वरी प्रेमा जी, आ जाएगी। आज कौन सी तारीख है? 1 तारीख। हाँ तो 1 तारीख को कोई भी महिला दुखियारी नहीं होती। क्यों? 1 तारीख को तनख्वाह होती है ना। अब देखो, 1, 2, 3, 4, बस 4 दिन के बाद सारी महिलाएं दुखियारी हो जाएगी, क्योंकि पगार खत्म हो जाएगी और महिलाएं दुखियारी हो जाएगी और यह लाइन लग जाएगी प्रेमा जी। सिंपल। अच्छा सोचते हैं, लेकिन केको जी, लाइन लगवाने में आप मेरी मदद करो। प्रेमा जी जरूर मदद करूंगा, जैसे ही कोई दुखियारी महिला मुझे मिलती है मैं फौरन आपको खबर कर दूंगा। कितने अच्छे हैं केक जी। थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू। गोखले, गोखले उस औरत को देख, किसी सोशल फिल्म की दुखी हीरोइन की तरह अकेली अकेली पत्थर पर बैठी है। मुझे शक्ल से लगता है ये औरत बहुत ही दुखी है। अरे दुखी लगने से क्या होता है, कई औरतों का चेहरा ही दुखी होता है, जैसे तेरा है। अरे पूछने में क्या जाता है गोखले, क्या जाता है? शायद प्रेमा जी के काम आ जाए। चल ये, लेकिन वो मारेगी तो नहीं ना? मैं हूँ ना। नहीं लेकिन डिसाइड कर ले, मार कौन खाएगा? नेचुरली मैं। एक्सक्यूज मी, आपको कोई प्रॉब्लम है? क्यों नहीं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व कर देते हैं। है प्रॉब्लम है? क्या हुआ? मेरे पति को ना मैंने अभी देखा। अच्छा? वो एक औरत को रास्ता पार करा रहे थे, वो भी हाथ पकड़ कर। तो उसमें क्या हुआ? आजकल रास्ते पर ट्रैफिक काफी रहता है ना, तो सेफ्टी के लिए हाथ पकड़ लिया होगा। लेकिन वहाँ ट्रैफिक नहीं था। ट्रैफिक नहीं था फिर भी हाथ पकड़ा? हाँ।
गोखले। समझ गए केशव, समझ गए। सेम तेरा ही केस है। क्या मतलब? पति पत्नी और वो। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मनीषा। देखो देखो वो आ गया। Oh my darling। ये सब क्या गड़बड़ है? तुमसे मिलने आए हैं। मुझसे मिल। आपको मैंने कहीं देखा? यस यस, आप प्रेमा शालिनी जी है ना? ठीक पहचाना तुमने, ठीक पहचाना। यस मनीषा, इतनी फेमस आर्टिस्ट, इतनी फेमस पर्सनालिटी हमसे मिलने आई है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। इडियट। कैसे बताती, ये तो बहुत दुखी आ रही है बेचारी। नहीं नहीं प्रेमा जी, इसका चेहरा ही वैसा है। आज क्यों दुखी है ये? इसका कहना है कि आपका किसी पराई औरत के साथ अफेयर है। क्या ये सच है? आप क्यों कर रहे हैं ये सब? फिर क्या, इतनी अच्छी बीवी होने के बावजूद भी पराई औरत के पीछे लगते हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। अरे बीवी का स्थान जीवन में क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अरे क्या होता है? क्या होता है? अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी होती है, जीवन भर की साथी होती है। और पराई औरत का क्या है? पराई औरत का क्या है? आज है कल नहीं है। कुछ यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या पति की बात की आपने? पति की बात? नहीं नहीं, मेरा मतलब पते की बात की। पते की बात? बाय द वे, बाय द वे, ये साहब कौन है? ये हमारे बहुत ही अच्छे पड़ोसी हैं, मिस्टर केशव कुलकर्णी। सोशल वर्क में मेरे साथ असिस्टेंट है। तो एक बात बताइए मिस्टर केशव कुलकर्णी, क्या आपने कभी किसी पराई औरत से प्यार नहीं किया? प्रेमा जी। अरे क्या कह रहे हैं आप, हमारे केशव जी तो कभी पराई औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। कभी नहीं देखता, कभी नहीं देखता। और आप मेरी बात क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात कीजिए। मेरे बारे में दरअसल आप लोगों को गलत फहमी है प्रेमा जी। हाँ, पराई औरत वो नहीं है, पराई औरत तो ये है। क्या? हाँ। कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन? स्टोरी सुनाओ, स्टोरी। दरअसल क्या हुआ था प्रेमा जी, कि मैं जब लड़की देखने गया था ना, तो चाय की ट्रे लेकर ये मेरे सामने आ गई थी। तो ऐसा तो हर फिल्म में होता है, लड़की देखने जाता है लड़का और चाय की ट्रे लेकर आ गई लड़की। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ। लेकिन मैं दूसरी लड़की को देखने गया था और ये मेरे सामने आ गई और मैंने गलती से इसे हाँ कह दिया। तुम्हें चाय की ट्रे लेकर जाने की क्या जरूरत थी? यस, क्या जरूरत थी? तो मुझे देखकर इसने हाँ कहा था, ये आंखें फूट गई थी इसकी। आंखें फूट गई थी क्या तेरी? नहीं, मेरी आंखें नहीं फूटी थी, लेकिन अगर वो लड़की पहले मेरे सामने आती तो मैं इसे कभी आना कहता। मैं ज्यादा सुखी रहती। अरे यार आप मिस्टर मनीषा। यस मी लॉर्ड। क्या आप मेरे फैन हैं? क्या बात कर रही हैं आप? यस। सच्चे फैन हैं? आप क्या पूछ रही हैं? मैं तो आपके पीछे मैड हूँ प्रेमा जी। यस। और मैंने आपकी हर एक फिल्म कम से कम 50-50 बार देखी है। क्या कह रहे हैं आप? यस। सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर ऑपरेटर है। मतलब वो फिल्म की मशीन चलाता है प्रेमा जी। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर मनीषा। अगर आप मेरे सच्चे फैन है तो आप मेरे लिए काम करेंगे? हुकुम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने के तैयार हूं। मिस्टर मनीषा, आप उस पराई औरत के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप उससे आज के बाद बात भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। बस बस बस, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं तो मैं आपके लिए उस लड़की को छोड़ दूंगा। मेरे लिए नहीं, इनके लिए। सॉरी सॉरी, ठीक है, इसके लिए छोड़ दूंगा। देखा प्रेमा जी, मैंने प्रॉब्लम यू सॉल्व कर दी। आइए जी, मैं कोमल। आप कोमल? कहाँ से जी? आई मीन कहाँ से आए हैं आप? बहुत दूर से आई हूँ। प्रॉब्लम क्या है? मेरा पति मुझे बहुत तंग करता है, मुझसे बहुत दूर दूर रहता है और मुझे मारता भी है। No, oh no! It is a simple case of ladies' harassment. Section 1421A2A. आप अपना एड्रेस छोड़ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। मदद करेंगे ना? Of course. लेकिन आप उसे बताना मत कि मैं आपके पास आई थी, वरना वो झगड़ा करेगा। ये लीजिए। All right. Okay. Thank you. Ciao. Okay. I'll see you. Yeah. Please come. Please come. Please come.
इस लेडी को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि इसका पति इसे परेशान करता होगा। डॉल, अगर इसका पति इसको मार लेता है तो कितना सॉलिड होगा ना। WWS WWS या वेरी वेरी सॉलिड। ये एक्सक्यूज मी जी, आप? मैं भीम हूँ। आप भीम हैं? कहाँ से? मतलब मतलब कहाँ से आए हैं आप? बहुत दूर से आया हूँ। मैं कोमल का पति। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन एक्सक्यूज मी प्रेम पाजी, आपकी पत्नी को देखकर तो ऐसा लगता है कि उनका नाम मिस्टर भीम होना चाहिए था। मिस्टर भीम, अभी अभी आपकी पत्नी यहीं से गए हैं। मुझे मालूम है, उसे देखकर मैं छुपा था। लेकिन मिस्टर भीम, आपकी पत्नी का कहना है कि आप उसे बहुत परेशान करते हैं। क्या हुआ, कुछ गलत बोल दिया मैडम ने? आपको मुझे देखकर लगता है कि मैं अपनी पत्नी को परेशान करता हूँ? उल्टा वो मुझे मारती है। आज तक आपने सुना होगा कि पति पत्नी को मारता है, पति पत्नी को मारता है। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या क्या आपके यहाँ क्या हमारे यहाँ क्या उल्टा है। डोंट वरी डॉल, आई थिंक इट्स अ सीवियर केस ऑफ जेंट्स का हैरेसमेंटेशन। लेकिन इसका क्या सेक्शन है? आई डोंट नो। यू डोंट वरी, आई विल हैंडल दिस केस। आई विल हैव टू हैंडल दिस केस विद केयर। हाँ तो प्रेम पाजी, ये बताइए कि आप अपनी पत्नी की तरफ देखकर हंसते क्यों हैं? कोई गलती कर दी फिर से? मैं हंसता हूँ। अरे क्या हुआ प्रेमा जी? जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं हंसना ही भूल गया। मैडम, आप दुखियारी महिलाओं के लिए सोशल वर्क करती है ना? यस। तो फिर जरा दुखियारी पतियों के लिए स्पेशल सोशल वर्क कीजिए ना। स्पेशल सोशल वर्क? हाँ करूंगी, करेंगे। आपको घर घर से सपोर्ट मिलेगा। पिपाजी सपोर्ट, पिपाजी घर से, पिपाजी हाथ निकल जाएगा, पिपाजी हाथ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आइए पिपाजी, आपके हाथ में हाथ निकल जाएगा, आपकी बाहू निकल जाएगी पिपाजी। बस आज करेंगे पिपाजी, करेंगे। मुझे लगता है इन लोगों के लिए भी संस्था बनानी पड़ेगी। डॉल, अगर ऐसी संस्था बनी ना, तो उसका चेयरमैन मैं बनूंगा। ये रहे और कुछ दुखियारी महिलाओं के कलर फोटोग्राफ्स। दिखा दिखा। क्या बात है गोखले, अरे तुझे इतनी सारी दुखियारी महिलाएं कहाँ से मिल जाती है? केशव, हमारे देश में दुखियारी महिलाओं की कोई कमी नहीं है। गोखले, तेरे पास तो बहुत ही अच्छा दिमाग है यार। मुझे तो लगता है प्रेमा जी की जगह अवार्ड तुझे मिलना चाहिए। यही तो गड़बड़ है यार, हमारे देश में अच्छे दिमाग वालों को कुछ नहीं मिलता। कोई बात नहीं गोखले, कोई बात नहीं। मैं अभी प्रेमा जी को फोन करके बताता हूँ कि मेरे पास दुखियारी महिलाओं का फ्रेश स्टॉक आ गया। केशव, फोन करके मत बता। क्यों? खुद जाकर बता। क्यों? फोन पर तुम्हें वो एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जो शायद खुद जाने से मिलेगा। कीकू जी, मैं आपको कितना अप्रिशिएट करते हूँ। थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू। सोशल वर्क में आप मेरा कितना हाथ बटाते हैं। प्रेमा जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था। अरे आप तो मेरी जान है। मेरा मतलब है आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है। आप कितनी बड़ी कलाकार है, इतनी खूबसूरत कलाकार, इतनी खूबसूरत औरत। औरत नहीं, गर्ल, लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल। और आप जैसी ब्यूटीफुल गर्ल अगर मैं क्या करें, हाथ बटाने की बात की तो हाथ पकड़ना शुरू कर दिया। एक्सक्यूज मी, टेलीफोन। हेलो, यस, प्रेमा शालिनी हियर। ओह, आप तो दुखियारी औरत हैं। नहीं नहीं, मैं आपकी फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। यस, 22 यस, 18 यस। ओके ओके, टाटा। के कुछ है दिल, एक और दुखियारी औरत मिल गई है। प्रेमा जी घर आके बहुत अच्छी है। चलिए दिल, हम काम करने जा रहे हैं। ओके ओके, हम काम करने जा रहे हैं, तुम यहाँ ऑफिस संभालना। ओके, सुनो, कोकी जी घर पे हैं। क्यों? मुझे भी एक अर्जेंट काम याद आ गया। क्या बताऊं प्रेमा शालिनी जी, मेरे पति ने तो मुझे बहुत दुखी कर दिया है। शराब पी के तो मैं मारता है? बिल्कुल नहीं, शराब को तो वो छूता तक नहीं है। दूसरी औरत का चक्कर है? नहीं, उसे मेरे अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। हमें तो एक साल की प्यारी सी बच्ची भी है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है?
उसने अभी तक मुझसे शादी नहीं की। बच्चा है लेकिन शादी नहीं की। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, इसके रोने की वजह आप हैं। आपकी तारीफ। समझ गया प्रेमा जी, मैं सब कुछ समझ गया, प्रॉब्लम कहाँ है, ये बेचारा अंधा है। क्या? ये अंधा तू होगा, मैं नहीं। अरे तू देख सकता है? तो फिर इतनी बड़ी हीरोइन तेरे सामने बैठी, तुझे पता नहीं चला? अरे ये प्रेमा शालिनी है, बहुत बड़ी हीरोइन है। मेरी तो एक ही हीरोइन है, वो भी मेरी सुलोचना। तो फिर आप इससे शादी क्यों नहीं करते? देखिए मुझे शादी के बंधन बंधन ठीक नहीं लगते। प्रेम करता है, साथ में रहता है, बच्चा है, लेकिन शादी के बंधन में फंसना नहीं चाहता। आपकी शादी हो गई? प्रेमा जी नहीं हुई। वाह, आपने तो शादी की नहीं और मुझे शादी की एडवाइस दे रही है। हमने शादी की है लेकिन एक दूसरे से नहीं की है। बदकिस्मती से हमारी शादी अलग अलग लोगों से हुई है। ठीक है तो मैं भी अलग लड़की से शादी कर लेता हूँ। देखो आपने रुला दिया इस बच्ची को, आपको इसके साथ शादी करनी पड़ेगी। नहीं मैं कैसे इसे शादी करूँ? अरे क्या, नहीं नहीं, आप इसी के साथ शादी करेंगे वरना मैं आपको राडा में अंदर करवा दूंगी। टाड़ा में? प्रेमा टाड़ा में? टाड़ा में, टाड़ा में अंदर करवा दूंगी मैं आपको। दफा 123XYZ में बिल्कुल कितने सालों के लिए जेल करवा दूंगी मैं आपको। 302 में फांसी लगवा दूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं कल ही इसे शादी कर लेता हूँ। पर मुझे ये बताइए कि शादी करने में फायदा क्या है? फायदा? शादी करने में फायदा बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अब क्या फायदे? आप इन्हें बाद में बता दीजिए। ठीक है, अगले हफ्ते बता देंगे, पहले तो शादी कर लेना यार। ठीक है मैं कल इसे शादी कर लेता हूँ। थैंक यू प्रेमा शालिनी जी, आप कितनी अच्छी है। देखा प्रेमा जी, ये केस भी मैंने कैसे सॉल्व कर दिया। एक्सक्यूज मी, देखिए बहन जी, हम लोग किसी को चंदा वंदा नहीं देते, प्लीज। मैं चंदा वंदा मांगने नहीं आई हूँ। फिर जाइए ना, हम लोग नहीं देते चंदा। लेकिन सुनो तो। नहीं नहीं, देखिए हम लोग। सुनिए ना। बोलिए। मैं प्रेमा जी को फरिश्ता अवार्ड देने आई हूँ, मैं चेयरपर्सन हूँ। आप चेयरपर्सन? हाँ। आइए पापा जी, आइए ना। थैंक यू। पाजी आइए ना, आई मीन बहन जी आइए ना, आइए आइए आइए। डॉल डॉल मुबारक हो, तुम्हें फरिश्ता अवार्ड मिल गया डॉल। प्रेमा जी क्या हुआ? प्रेमा जी डॉल, प्रेमा जी क्या हुआ? एक मिनट मैं संभालता हूँ। डॉल नहीं, डॉल नहीं, एक तारीख को फंक्शन है जिसमें आपको 1,00,000 रुपया और शॉल दी जाएगी। प्रेमा जी डॉक्टर को बुलाओ। प्रेमा जी मुझे 1,00,000 और एक शॉल मिल गए हैं। आपके सोशल वर्क के बहुत अच्छे रिपोर्ट्स मिले हैं, बहुत सारी दुखी महिलाएं इनकी बदौलत सुखी हो गई है। लेकिन मैं तो दुखी हो गई। आप कौन हैं? मैं वही औरत हूँ जिसका पति किसी पराई औरत के पीछे पड़ गया था। लेकिन अब तो तुम्हारे पति ने उस लड़की को छोड़ दिया है ना? हाँ, लेकिन वो अब मेरे पीछे पड़ गया है और नौकरी छोड़कर घर पर बैठ गया है। क्यों? वो उस लड़की के बाप के सिनेमा हॉल में काम करता था और उस चुड़ैल के बाप ने उसे काम से निकाल दिया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब आप ही को उसको नौकरी दिलानी पड़ेगी। पहले तो मैं सिर्फ दुखी थी, अब दुखी आ रही हो गई हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। देखो दुखियारी औरत, तुम एक काम करो, अभी जाओ, 1 हफ्ते के बाद आना। जाओ। ठीक है। देखा प्रेमा जी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। प्रेमा जी आपने तो मेरा नुकसान कर दिया। क्या कुछ, ये कौन है? प्रेमा जी ये वही औरत है जिसका मर्द उसके साथ शादी करने के लिए इनकार कर रहा था। लेकिन हमने तो उस मर्द को कन्विंस कर दिया था शादी के लिए। आपने ऐसा क्यों किया? मेरी मिस्टेक हो गई, जब तक शादी नहीं हुई थी तो वक्त से घर पे आता था, लेकिन अब शादी हो गई है तो रात रात भर घर से बाहर रहता है। हाँ तो बराबर है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जाने ना यार, तेरे लिए तो सब कुछ बराबर ही है। मुझे कुछ नहीं मालूम, आप मुझे उसे तलाक दिलवा दीजिए। क्या कुछ है? हाँ मैं संभालता हूँ, मैं संभालता हूँ। देखो दुखियारी औरत, तुम इस वक्त जाओ, 1 हफ्ते के बाद आना, हम तुम्हारे मर्द को समझाने की कोशिश करेंगे, अगर वो नहीं माना तो किसी दूसरे मर्द को पकड़ कर हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। ठीक है ठीक है। देखा प्रेमा जी कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। धंधे पे ध्यान दे, धंधे पे ध्यान दे। यू सी मैडम, हमने तो इन महिलाओं की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, हमने सॉल्व की भी, लेकिन अब इन लोगों की अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ओह माय गॉड, अब
अवार्ड नहीं मिलेगा मुझे। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा? नहीं नहीं प्रेमा जी, महिलाओं के प्रॉब्लम जितने भी सॉल्व करो वो कभी खत्म नहीं होते। ये अवार्ड तो आपके सोशल अवेयरनेस के लिए दिया जा रहा है, जिसमें किसी का फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता। ये लीजिए। इसमें 1,00,000 रुपए और एक शॉल है। नहीं, वो फंक्शन पे दिया जाएगा। ये फंक्शन का इनविटेशन है। नमस्ते, मैं चलती हूँ। प्रेमा जी, आप इसी तरह सेवा करती रहिए। नमस्ते। प्रेमा जी आप ग्रेट हैं, आप महान हैं। मैं जिंदगी भर प्रेमा जी जिंदगी भर आपके इस कार्य में आपकी मदद करता रहूंगा। मुझे भी कुछ मदद कीजिए, मैं भी एक बदनसीब दुखियारी औरत हूँ। मेरे पति ने मुझे बहुत दुख दिए हैं। डोंट वरी बहना, हम तुम्हारे पति के खिलाफ तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। प्यारी बहना तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे पति की चमड़ी उधेड़ देंगे। मैं तो कहता हूँ प्रेमा जी, ऐसे मर्दों को रास्ते पर खड़ा करके हंटर से मारना चाहिए, हंटर से। मैं तो कहता हूँ ऐसे पतियों को, ऐसे मर्दों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और ऐसे मर्दों को। सबसे पहले सूली पे तू ही चढ़ने वाला है। बहना, तुम्हारा नाम क्या है? कोकिला केशव कुलकर्णी।